सर्प वर्ष के चौथे माह में परमात्मा एक ऐसे बच्चे को चुनेगा जो पवित्र दिव्य पदक के दोनों हिस्सों को जोड़ेगा। इससे उत्पन्न होने वाली अद्भुत शक्ति के कारण नए जीवन की उत्पत्ति होगी और उसे असाधारण दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। ये ग्रंथ लाकर तुमने अच्छा किया, तुम्हारा इनाम। बहुत कम है, इस ग्रंथ को पाने के लिए कोई और होता तो इससे बहुत ज्यादा देता। इस कमरे में अगर कुछ कम है तो वह है तुम्हारी जिंदगी। ठीक है, देखा जाए तो आपने मुझे बहुत ज्यादा ही दिया है। हिंदी में बोलने का, वक्त बर्बाद मत करो किसका, गाड़ी घुमा लो। इंस्पेक्टर, टारगेट पहुंच गया है गिस्कार्ड। गुनिया मंदिर जा रहे हैं, और भी लोग हैं। समझ गया, आप वहीं रहना। वॉटसन, घूमे क्या? जैक, वो मंदिर में है। सब तैयार हो जाओ। और सेकेंड, गिस्कार्ड के साथ कुछ और भी लोग हैं, कौन है पता नहीं। मुझे खबर मिली है कि वो यही है और गिस्कार्ड उसी का चमचा है। हम हमला करेंगे। सारे आम लोग होंगे। देखो, ये इंटरपोल का मिशन है। हांगकांग पुलिस डिपार्टमेंट के लोग देखकर सीख रहे कि ऐसे ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं। अगर तुम्हें इतराज है तो अपने बॉस से शिकायत करो। गुड, बच्चा यही था साहब, तहखाने में। सभी हजार उठा लो, एकदम चौकन्ना रहना, समझ गए? अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये एक मंदिर है, एक पवित्र जगह, इसके अंदर बंदूक ले जाना मना है। ओ अच्छा अच्छा, तुम फिक्र मत करो एजी, ये जो गन देख रहे हो ना, ये एकदम पवित्र गन है। इसके अंदर जो गोलियां हैं वो भी पवित्र है, और जो खून बहेगा वो भी पवित्र होगा। आगे बढ़ो बॉयज। चलो लेफ्ट Thank you.
कोई भी नहीं आ सकता। मैं जो चाहता हूं वो तुम मुझे दोगे। देख लगता है कोई है। कमबख्त, उसका मंदिर में क्या काम हो सकता है? वो एक स्मगलर है जी, मुमकिन है वो कोई बुद्धा की कीमती मूर्ति चुराने आए हो। बात यह है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से वो बच गया। वॉटसन, सिर्फ मैं उसे पहचान सकता हूं। इंटरपोल साए की तरह मेरे पीछे पड़ा है, अब मैं यहां और नहीं रुक सकता। तो मुझे उस बच्चे को आयरलैंड पर लाकर दोगे? काफी मुश्किल काम है और उसका खर्चा। हर कीमत पर मुझे वो बच्चा चाहिए। वेरी गुड, ओके, वही ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, ऑफिस में इन्फॉर्म करना। और हाँ, कीप द चेंज। थैंक यू। समझ गया। See horizon. सब सही है ना?
बच्चा सही सलामत है ना? बिल्कुल सलामत है सर। वेरी गुड, उसे कहाँ रखा है? वहाँ ऊपर। चलिए वहां पर हैं। रुको रुको रुको, ओफो, उसे नीचे उतारो। अरे रस्सी खोलो, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, संभाल के। ये वही बच्चा है इंस्पेक्टर। मुंह के ऊपर से पट्टी खोलो। हेलो, ये वही बच्चा है। हेलो सर, मुझे बच्चा दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ वही है, उसकी अच्छी देखभाल करना। नो प्रॉब्लम सर, हम आज ही रवाना होंगे। हमें अपनी जांच में आने दो। हाँ, सालों को भी चपका देता हूँ। तुम तैयार हो? मैं कवर करता हूं।
कैन आई हेल्प यू सर? जी मैं इंस्पेक्टर एडी यांग फ्रॉम हांगकांग। ओह हाँ, आपका कमांडर के साथ अपॉइंटमेंट है। ये कौन? इंस्पेक्टर एडी यांग, जानती थी कोई दूसरा नहीं हो सकता। नाइस, स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। कम ऑन, काफी दिन बीत गए ना? 6 महीने। मेरी हांगकांग से बाहर पोस्टिंग हुई। ओह हाँ, तुम मुझे फोन करने वाले थे। मैं नहीं जानता था तुम्हारा तबादला यहाँ आयरलैंड में हुआ। जानना तुमने जरूरी नहीं समझा। मैं आजकल यहाँ इंटरपोल की तरफ से दक्षिण पूर्वी एशियाई मुल्कों के साथ लेजन का काम करती हूँ। मेरा पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। निकोल, मुझे तुम्हारा पता लगाना चाहिए था। I'm sorry. सॉरी कहना कितना आसान है। मुझे क्या गुजरी ये तुम क्या जाना। कमांडर, इंस्पेक्टर यांग आपसे मिलने आए हैं। यस, आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई इंस्पेक्टर। माय प्लेजर कमांडर। कमांडर, दरअसल मैं वहां पे बाहर कुछ है। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये यहाँ क्या कर रहा है? हेलो वॉटसन, अब ये मत कहिएगा कि ये भी इस प्रोजेक्ट में काम करने आए हैं। वॉटसन, इस काम में हमें सबकी मदद चाहिए। जी हाँ। ये बच्चा तुम्हें याद है? हाँ, इसे इस मंदिर में देखा था। और इसे जानते हो? मुझे दिखाओ। हाँ, मैं इसे पहचानता हूँ। लेस्टर वॉन्ग, स्नेक हिट का दाहिना हाथ। ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो हमारे गैरे के साथ डिस्कस नहीं करते। हमें इसका पता लगाना है वॉटसन। हाँ, लेकिन आई एम सॉरी माई फ्रेंड, ये तो इंटरपोल का काम है। हमें अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्नेक हेड डीडे का कोई शिपमेंट आने वाला है यहाँ आयरलैंड में। मुमकिन है बच्चा भी उसके साथ हो। कहाँ पे? हम नहीं बताएंगे। तुम हांगकांग वापस जाओ और जीप कतरन को पकड़ते रहो। वॉटसन, क्या है? मतलब सॉरी, क्या है? अगर तुमने दोबारा बदतमीजी की तो मैं तुम्हें इस केस से हटाकर उसे इंस्पेक्टर के हवाले कर दूंगा। अब तो खुश 5 मिनट में ही कमाल दिखा दिया। वॉटसन, वो बाहर का दरवाजा नहीं, फाइलिंग कैबिनेट है। जानता हूं, दरअसल मैं ये फाइल ढूंढ रहा था। अब इसे बनवाना पड़ेगा। मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। क्या आपको कोई शक है? ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ठीक है, चेक करने दो। यस सर। वॉटसन सुनो, हांगकांग में जो हुआ उसे भूल जाओ। आई एम सॉरी, मैं कुछ बात करने के मूड में नहीं हूँ। हम पार्टनर थे, हर काम साथ करते थे। तुम्हें मेरी जरूरत है? हो, जरूरत है तो अब मैं क्या करूँ? सीने से लगाकर चुम्मा लूँ? हम दोनों एक साथ कितने खुश थे, सब तुमने बिगाड़ दिया। वॉटसन, उस वक्त मैं मजबूर था, समझने की कोशिश करो। समझ गया, मैं अच्छी तरह समझ गया कि तुम्हें कभी हजम नहीं होता था कि मैं तुम्हारे ऊपर रहूं, है ना? है ना? ओके, तुम ही ऊपर रहो, तुम जो कहोगे मंजूर है, बस मुझे अपने साथ ले लो। ओके? नहीं, तुम वादा तो करते हो पर हर काम खुद ही करते हो, है ना? तुम्हें हमारी बातों से लगा होगा कि थैंक यू। हम वो नहीं हैं जो तुम लोग समझ रहे हो। वैसे दो समझदार आदमी साथ मिलकर काम करें तो उसमें क्या बुराई है? मैं कहता हूँ कोई बुराई नहीं है। ये भी तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जा रहा हूँ अपने बीवी के पास।
क्या लगता है वो अपने साथ तुम्हें एक काम करने देगा? आया था मनाने। ओ वो और भी रूठ गया। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। डिनर। हाँ डिनर। इस तहकीकात के लिए हमें वॉटसन की जरूरत है एडी। वो जिद्दी है, उसे हम ब्लैकमेल करेंगे, मानने के लिए मजबूर कर देंगे। उसके लिए एक ही रास्ता है। जो भी है चलेगा। हाँ और एक बात, वॉटसन के परिवार वाले अभी तक नहीं जानते कि वो एक इंटरपोल एजेंट है। उसने उन्हें क्या बताया? कि वो लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन? हाँ। हाय हाय, क्या खाना बना रहे हो? जो भी हो, तुम्हें कैबिन बुलाया मेहमान की तरह घर में घुस रहे हो? डार्लिंग, आज तुम खाने में क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो हाय हेलो, प्लीज प्लीज अंदर आओ। आर्थर, तुमने बताया नहीं गेस्ट आने वाले हैं। हाय प्लीज अंदर आइए। जानता था यहाँ मैं लाइब्रेरियन हूँ। लाइब्रेरियन? शायद ये है दिया। हेलो, आप डिनर तो करेंगे ना? नो बिल्कुल नहीं। थैंक यू। उस एडी की वजह से मेक भी खराब हो गया। ये क्या पकाया? ये है कुर्बानी का बकरा। तुम भी कुकिंग जानते हो तो आ जाओ मैदान में, देखते हैं कौन कितना पानी में। दरअसल मुझे तलाश है एक खास किताब की। हाँ, और हम चाहते हैं कि उस खास किताब को ढूंढने में आप तक हमारी मदद करें। सॉरी, दरअसल मैं खुद उस खास किताब की तलाश में हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे ढूंढें? लेकिन चीफ लाइब्रेरियन मैं हूँगा, ठीक है? ठीक है। तुम्हारे रहने का इंतजाम करूं? वो मैंने पहले कर लिया। हाँ ये लो इंस्ट्रक्शंस, कल सुबह वॉटसन को कहाँ मिलना है, क्या करना है वगैरह वगैरह। वो मुझे यहाँ से पिकअप कर सकते हैं? वो वॉटसन है। तुम तो जानते ही हो ना, वो जो भी करता है पूरे कायदे कानून से करता है। तो ओके मैं चलती हूँ। निकोल? हाँ? आज बहुत मजा आया। हाँ सिटी स्क्वायर यहाँ से दूर है या पास में है? दूर तो है, बैठ के ले चलता हूँ। थैंक यू। हाँ Hey!
जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू कुछ भी कर, अपन कुछ नहीं बोलेगा। क्या अपन कुछ नहीं बोलेगा? मैं तुझसे उगलवाऊंगा। तुझे कौन सी ताल पसंद है? ओके ओके ओके, बताता हूँ। बच्चे को आज तालबर कितने लाया जा रहा है, कितने बजे मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि बाग नंबर 5 में उतरेगा। इससे ज्यादा अपन को मालूम नहीं। अरे बाप, अब तो अपन को बाहर निकालो। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? ऐसे सांस फूल रही है जैसे किसी ने तुम्हारा रेप किया हो। तुम कमजोर पड़ गए हो, कसरत किया करो। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट मत करो, चलो। यही डॉग फाइट है। अगर डिस्कार्ड का कहना सही है तो वो यही जहाज है। काश ऐसा ही हो, हमारे पास और कोई सवाल नहीं। ये लोग अपने पास बड़े बड़े मशीन गन जरूर रखे होंगे। तुम्हारे पास गन है? नहीं, मैंने सोचा तुम मुझे दोगे। अपनी जरूरत की चीजें खुद रखा करो, और ये मत भूलना कि चीफ लाइब्रेरियन मैं हूँ। समझ गए? ठीक है, मास्टर प्लान सुनो। निकोल बाएं तरफ जाएगी, और एडी तुम। मैं पागलों की तरह अपने आप से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सीधे जाकर दाहिने मोड़ जाइए। कैसे हो दिव्य शिशु? एक्सक्यूज मी, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे उसे छोड़ो नहीं। कम ऑन, वो इस तरफ आ। तुमने उसे देखा? वो बच्चा कहाँ है? वो कहीं घूम गया। ढूंढो उसे।
गोली मारो। तुम ठीक हो ना? जाओ 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 जाओ, बच्चे को पकड़ो। तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। कंटेनर का रंग क्या है? नहीं मालूम। वॉटसन, एडी किसी कंटेनर में है। किस कंटेनर में? ये तो ना वो जानता है ना मैं। कंटेनर के अंदर से अभी भी सिग्नल मिल रहा है। तुम ठीक हो ना? मुझसे काम लो। काम।
निकोल मैं ड्यूटी के लिए तैयार हूँ सर। श्योर जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं वहां नहीं था मेरा दोस्त। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू। क्या हुआ? अरे बात क्या? तुम कौन हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे कपड़े कहाँ हैं? बात बताना, मुझसे दूर रहो। वॉटसन चल जाओ। वॉटसन क्या हुआ? शक्ल सूरत से तो तुम ही हो। मेरी नाखून इतनी बड़ी नहीं है। ये तो मैं ही हूं। तुम्हें पूरा यकीन है? मैं अपनी चीजों को नहीं पहचानूंगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं है, मुझे देखने दो। नहीं, मुझे हो क्या रहा है? पापा ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। तुम्हारे इस डबल रोल का कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। रिवाइंड करो, तुम उस जहाज के कंटेनर के अंदर थे ना, उसके बाद क्या हुआ? चारों तरफ रोशनी थी। हाँ। बच्चा बच्चा वो पदक? हाँ, हाँ, वो मेरे पास है, तुम्हारी जेब से मिला। हाँ। हाँ। ये क्या है? सिस्टर, हम इंटरपोल से, आपको एतराज ना हो तो क्या हम थोड़ी देर बच्चे के साथ बैठ सकते हैं? ये क्या? बाहर डॉक्टर कह रहे थे कि तुम कुछ खा नहीं रहे हो, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी? ये लो। अच्छा है, मैं खाऊं? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? महसूस फीलिंग। मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, क्रिकेट मैच दिखाऊंगा, चिड़ियाघर ले जाऊंगा। बंदर दिखाऊंगा, बाद में स्नूकर खेलेंगे। स्नूकर नहीं समझे? एक्सक्यूज मी, इसे हमें चेकअप के लिए ले जाना होगा। हाँ क्यों नहीं, ले जाइए। एक मिनट। ये तुम्हारी अमानत है। आधा मेरे लिए। प्यारा बच्चा है। तुम्हें क्या हुआ? वो नर्स। हाँ, नर्स अच्छी है ना? उसके बूट्स। हाँ। नहीं, उसके बूट्स। ओ, बूट्स। नर्सेस बूट्स नहीं पहना करती। अच्छा। हे,
लेखक के लोग बच्चे को ले जाने आए थे। मैं इसे अपने पास रखूंगी। गुड आइडिया, बच्चा तुम्हारे पास हिफाजत से रहेगा। ये बताओ, उन सबसे तुमने अकेले मुकाबला किया? नहीं, गेटी भी नहीं। मेरा मतलब है, तुम क्या समझती हो, दुनिया में सिर्फ एड्डी ही एक ब्लैक बेल्ट है? यानी तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक है एकदम। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। हाँ, हम बाद में मिलते हैं। मैं फाइट करके थक गया हूँ, थोड़ा कसरत करना है। मेरी फिक्र मत करो निकोल, बच्चे का ध्यान रखना। एडी, बच्चे को निकोल के साथ कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो लोग बच गए, यही ना, बच्चा सेफ है, तुम चिंता मत। मेरा मतलब मुझ में कुछ गड़बड़ है। मुझे मारो। मारू? कम ऑन, मारो मुझे। नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। ओके, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर मैं बुरा मानूंगा अगर मेरा हाथ टूट गया तो। ओके, ये लो। नो थैंक यू, मैं घर पर ही करके आया हूँ। नहीं, इससे मुझे मारो। मैं सचमुच? हाँ। गॉड, ये लो। आप खुश? जोर से। मैं ऐसे नहीं मार सकता, ये तो पागलपन है। कोई बच्चा भी इससे बेहतर मारेगा। बच्चों से तुलना कर रहे हो? एडी, तुम ठीक हो? I'm so sorry, my friend। दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो होता है, पर कुछ नहीं हुआ। मुझे गोलियां भी लगी थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। मुझे गोली मारो, चलाओ। क्या लगता है उस कंटेनर का पानी तुम्हारे सर पे चढ़ गया, इसलिए तुम्हें ये पागल पर मुझे सुझा दो। मैं दिखा दूंगा, ये कोई खेलने की चीज नहीं है, छोड़ दो। अगर गोली चल गई तो मर जाओगे, जानते हो? तुम अपने हाथ पार कर रहे देखो। कमाल है, खून नहीं बह रहा। आप देखो, देखा बच्चे मारो।
कहाँ लगा रहे हो? I'm sorry, गलत जगह पे मारा था। कहाँ ना कुछ गड़बड़ है। तुम निकम्मे फिर अपना मुंह काला करके लौट आए, एक छोटे से बच्चे को उठाकर नहीं ला सके, लानत है। सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरी की पूरी गोलियां उस पर उतार दी, कम्बक मरता ही नहीं। कौन है वो कम्बक्त? वही ये डियोंग, उसकी तो कल ही मौत हो गई थी, ताजुब है फिर भी वो जिंदा है। यानी ग्रंथ सही है। हेलो प्रोफेसर, डॉक्टर, डॉक्टर, आप सबका स्वागत है। मैं आप सभी को एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों में से इसे कोई पहचानता है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, हाँ, मैंने देखा है। ये मछली जीवन का निशान है और सांप का मतलब। वाओ, देखते पता? ये लो, अब इस पे कैसे मारो? इसके एक तरफ सांप का निशान है और दूसरी तरफ मछली। सुनिए, आपके पास जो पदक है अगर वो असली है तो समझ लीजिए कि आपके पास जादुई छड़ी है, यानी मौत पर भी काबू पाने की दिव्य शक्ति। ऐश करो। ये पदक कहाँ से मिला? किसी बच्चे से मिला ना? जी हाँ। सुना है कि हजारों सालों में परमात्मा एक बार एक बच्चे को चुनता है, जो इस पदक के दोनों हिस्सों को जब जोड़ेगा तब मौत भी टल जाती है। वो पदक और बच्चा आपके पास हो तो आप खुदा होंगे, तुम्हारी मर्जी। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि अगर आप इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पदक के दोनों हिस्सों को हासिल करना जरूरी है। पक्के सबूत के बिना तुम्हें सिवाय बहस के कुछ नहीं कर सकते। सुनो, ये पुराण और शास्त्र वगैरह छोटी कहानी नहीं है। थैंक यू प्रोफेसर, डॉक्टर, डॉक्टर, फिलहाल बस इतना ही। उस बच्चे को ये पदक कहाँ से मिला? वो स्नेक है जिस पदक के पीछे या फिर उस बच्चे के पीछे? By the way, उस बच्चे का ध्यान रखना, वो पदक ना सिर्फ ध्यान देता है, ध्यान लेता भी है। अब गौर से सुनो, मेन एंट्रेंस पर मैं ध्यान रखूंगा, तुम जल्दी से पीछे की तरफ से निकोल के अपार्टमेंट पे पहुंच जाना, समझ गए? समझ गए। सॉरी। छोटे हो लेकिन खाना बहुत खाते हो, अभी भी खा रहे हो? और क्या खाओगे बोलो। ओके, ये लो खा के देखो, अच्छा है ना? तुम्हें पसंद नहीं आया जानती हूँ। मैं क्या क्या खाने की चीजें बनाती हूँ जानते हो? फलों को छिलने के अलावा ब्रेड टोस्ट बना सकती हूँ, एग बॉईल कर सकती हूँ, बटर जेली मिक्स करके सैंडविच बना सकती हूँ। बेचारा एडी जो नाश्ते में, लंच में, डिनर में वही खाया करता था, फिर भी उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ और बनाना ही नहीं आता। यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच में चला गया। वो चला नहीं गया। तुम ये नहीं जानते कि एडी वापस नहीं आएगा? मैं उसे वापस लाया। ओके, जय एडी।
जल्दी आइए। देखो देख लिया, मैंने कहा ना ये जिंदा है। सर हाँ। आओ मेरे प्यारे बच्चे। मैं बिना दर्द की मौत मरूंगा ताकि फिर से जिंदा हो सकूं, अमरत्व पाऊं, साथ ही दिव्य शक्तियों को हासिल करूं। आप सच कह रहे हैं? अगर इनका ग्रंथ सच है तो यह बच्चा अमर है और यह अपनी शक्ति से मेरे प्राण लौटा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे मार देना, फिर देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा दिव्य शिशु। कार की लाश, उस लाश की तरह अब तुम भी मेरे लिए बेकार हो गए हो दिव्य शिशु। तुम अमर नहीं हुए हो। क्या अमर बनने के लिए तुम्हें पदक का दूसरा हिस्सा भी चाहिए? दूसरा हिस्सा? इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है मुझे बताओ। निकोल एडी, मैं जिंदा हूँ, सचमुच जिंदा हूँ। समझ में नहीं आ रहा एडी, मैं वहीं पर मौजूद थी और मैंने देखा कि तुम निकोल, मेरा यकीन करो। हाँ, पर जब उस कंटेनर को खोला गया था उसमें तुम्हारी लाश थी, मतलब तुम मर चुके। निकोल, उस बच्चे ने पदक के जरिए मुझे दोबारा जिंदा कर दिया और स्नेहखेल भी उसी पदक को पाना चाहता है। वो बच्चा और पदक को पाने से वो भी तुम जैसा बन सकता है? हाँ, उसके लिए उसे पूरा पदक चाहिए और अभी उसके पास आधा ही है। वाह, क्या मधुर मिलन है। मुझे खुशी है कि एडी फिर से जिंदा लोगों के बीच है, लेकिन अभी तक हम स्नेकहेड के हेलीकॉप्टर को ट्रेस नहीं कर पाए। निकोल, तुम कंप्यूटर के जरिए पिछले एक घंटे में आसमान में उड़ने वाली हर चीज का पता लगाओ, चाहे वो परिंदे, प्लेन या सुपरमैन ही क्यों ना हो। बुरा मत माना दोस्त है? एडी, अगर उसे पदक का दूसरा हिस्सा हासिल करना है तो वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। अगर वो मुझ तक पहुंचेगा
तो मेरे पार्टनर तक भी पहुंचेगा। मुस्तक, मेरी फैमिली, मैं चला। कूल, ये तो जाती है, तुम्हारे पास जिम शक्ति है, मैं तो आम आदमी हूं। एडी, मेरी बात ले लो। एक बात बतानी है। कहो ना। ये डी, मैं और निकोल कोई किताब नहीं ढूंढ रहे। वॉटसन, वो आ गए। हटो, जाओ, जाओ, गो, गो। क्या करने जा रही हूं? अरे ये कोई साफ सफाई का वक्त नहीं है। तुम ठीक हो ना आर्थर? लगता तो ऐसा ही है। ये लो, मैं उन्हें बाहर ले जाता हूँ। अच्छा, तुम्हारी बीवी कमाल की है। अरे ये क्या था? अच्छा सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत। तुम किस मिट्टी की बनी हो? से मिलकर खुशी हुई एडी यांग। वो बच्चा कहां है? उस बच्चे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, मगर पदक के दूसरे हिस्से से मेरा वास्ता जरूर है। बराबर वाले हैं। कैसे बेवकूफ को यह शक्ति मिली जो इसका इस्तेमाल करना भी नहीं जानता? कदर ले आया। ये सो रहा है या फिर बेहोश हो गया है? पता नहीं चल रहा है कि ये सांस लेता भी है या नहीं। बच्चा, जागने का अच्छा तरीका है। एडी, तुम ठीक हो? वो बच्चा खतरे में है। हाँ, सेक्रेट उसे मार डालेगा। बोलो कहाँ है वो? उसने उसे पुराने खंडर के अंदर छिपा रखा है। मैं जो कुछ भी जानता था सच बता दिया। हमें जल्दी जाना होगा। हाँ, मैं इसे उड़ा सकता हूँ क्योंकि मैंने ही इसे बनाया। तुम बाइक ले लो, मैं ऊपर से तुम्हें कैद करूंगा। मैं चलाऊंगी।
तुम यहां क्या कर रहे हो? वो बच्चा कहां है? ठीक हो ना? अपना ध्यान रख। इंटरपोल हैंसा, तुम ठीक हो ना? पकड़ो उसे। Excuse me. कहीं तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रही हो? आखिर कहां तक?
दूसरों की अमानत पर हाथ लगाना बहुत बुरी बात होती है। क्यों पकड़ो पार्टनर, जज्बाती मत बनो, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये रोना धोना आम आदमियों का काम है। हम दोनों का जीवन शाश्वत है, वक्त भी हमारा गुलाम है, हम जो मर्जी आए कर सकते हैं। इस जैसी एक मामूली लड़की के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अमर हैं। अभी तो खत्म। करो।
ज्यादा क्यों? गिरने से पहले मुझे पकड़ा नहीं उसके लिए। और ये भी, गिरने से पहले मुझे नहीं पकड़ा उसी के लिए। इंटरपोल हैंड्स अप। फिर वही मधुर मिलन। एक बात है, जब एडी जिंदा होकर आया तब नंगा था, मेरा मतलब उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। और निकोल तुम तो नहीं, मुझे खांसी है, आजकल मैं बहुत खांसता हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ, क्यों ना ये पता कि एक बार मेरे ऊपर भी लग लो, मैं बीमार हूँ। हेलो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे वो पदक दे दो ना, पदक दे दो, पदक दे दो मेरे हाथों में। कोई बात नहीं, वैसे भी घर घूम मेरे साथ चलो। रुको रुको एडी, निकोल, मुझे यहाँ इस तरह छोड़कर जा नहीं सकते। बाय। ओके, अगली बार मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, वो तो अपने घर बसाने चांद सितारों पर चले गए। अब मैं भी जाऊंगा अपने घर।